हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल सी एम सी क्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताऊंगा आईटीआई कोपा के एग्ज़ाम में, जो कि आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। वहीं पर दोस्तों, आपका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या जो इंस्ट्रक्शन, क्या चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसा का जैसा क्वेश्चंस में लिखा हो, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही करना है। अपने तरफ से यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी कि अगर आपका वर्ड या एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन पे कुछ काम करवाया जाए और वो अच्छा ना लगे आपको, तब भी आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा का जैसा, अगर उसमें बोल्ड कहा गया है तो बोल्ड करना है, इटैलिक कहा गया है तो इटैलिक करना है, स्पेस छोड़ने के लिए कहा गया है तो स्पेस छोड़ना है, नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है तो नहीं छोड़ना है, यानी कि अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। सेकंड थिंग यहाँ पे आपका आ जाता है कि एक क्वेश्चन आपको उसमें आता है कि जो भी फाइल आपका दिया रहता है, उसका जो है एक पर्टिकुलर नेम दिया रहता है उसके अंदर, कि इस नाम से आपको इस फोल्डर को या इस फाइल को सेव करना है। तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फाइल का नाम दे रखा हो, उसी नाम से आपको सेव करना होगा फाइल को। तो ये दो इंस्ट्रक्शन आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपके जो यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरी बात जो आपकी आ जाती है, अगर आपका जो जहाँ पे भी प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल है, तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका डाउनलोड करवाने का, वो करवा लेते हैं। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे आपको उसके जो है इंस्ट्रक्शन लिखवाते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, तो यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसी को करना होगा, बाकी जो आपके जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको नहीं करना होगा। उसके लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा, उसके इंस्ट्रक्शन आपको लिख के देने होंगे। तो यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक और बात आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, यानी कि अगर आपके पास तीन क्वेश्चन है तो आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उसी को आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। ये नहीं है कि मुझे पहला ही क्वेश्चन सबसे पहले करना होगा, सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उसको आप पहले कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा कि पहला ही क्वेश्चन आप पहले करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपको आए उसको पहले अटैम्प्ट करना, ये बात रहेगी दोस्तों आपके प्रैक्टिकल के लिए। वहीं पे दोस्तों, थ्योरी की बात करें तो आपको थ्योरी में दोस्तों आपके जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई कोपा में, जिसमें जो आपके 40 क्वेश्चन जो है थ्योरी के होते हैं और बाकी जो 20 क्वेश्चन आपके होते हैं वो ईएस के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी जो है आपके अलग अलग होते हैं, ये नहीं है कि मिक्सचअप होगा सारा का सारा कुछ, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ईएस का है कौन सा जो है थ्योरी का है। यहाँ पे दोस्तों आपके या तो सबसे पहले थ्योरी के दे देंगे, उसके बाद जो आपके ईएस के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन जो है थ्योरी के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके ईएस के होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे, इसमें भी दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं आपको उसको टिक कर सकते हो, फिर आप पीछे आके जो है क्वेश्चंस को दोबारा से रीड करके और उनके जो है उनको भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप जो भी पहले आप जो है, जैसे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड नहीं आता, थर्ड नहीं आता, तो फर्स्ट कर दूंगा, सेकंड थर्ड छोड़ दूंगा, उसको बाद में हम देखेंगे, पहले जो है हम फिफ्थ कर लेंगे, सिक्स्थ कर लेंगे, सेवन्थ कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो और बाद में जो आप पीछे आके अपने क्वेश्चंस को दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, यहाँ पे जब भी थ्योरी के एग्ज़ाम में आप जाओ, तो जब भी आपका जो है सारा का सारा ऊपर जो आपके नंबर्स होंगे 60 क्वेश्चंस के, तो सभी ग्रीन नहीं हो जाते तब तक आपका जो है क्वेश्चन समझो टिक नहीं हुए। तो सभी को आपको ग्रीन करना है, जिसका मतलब होता है कि आपने सारे क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट कर दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे आपके लिए, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।